अस्सलामु अलैकुम एस बी सफदर बलोच ब्लॉग चैनल पे खुश आमदीद। सबसे पहले ये वीडियो देखें जी। तू खांगड़ तो लाहौर की लैन गया थी, अंब लैन गया थी। अंब का लैन चला आ गया ना, लाहौर की कर गया थी। जान सुरे दे तेरे लिखांद कितो ना जान सुरे रोक रहे हटा तो मासे आसे भी किसे तरीके ना खड़े हैं यार। तुम गाइड करने में आती बंदे उतर गए। मैं क्या यार गाइड कर रहा हूं, मारते मारे तेरी गड्डी ज्यादा भजती है ना तेरी गड्डी ज्यादा भजती है ना फरवाए से गलियां दे देते हैं और भी जा। अच्छा जी, वीडियो आपने देखी। इस वीडियो में एक वाक्य पेश आया कि जो मोटरवे के ऊपर हमारे कुछ सिंधी भाई आ रहे थे और मोटरवे पुलिस ने उसको रोक के साथ वो जवाब में मैंने वीडियो एडिट की है। बीच में कुछ गालियाँ शालियाँ थी वो मैंने कट की, क्योंकि मेरे व्यूवर्स में खवातीन भी हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मतलब गालियों पर ऐसा ना हो कि वो बाद में मेरी खिंचाई हो जाए। सबसे पहले तो पाँजी सिंधी भाइयों जे हथ बंदी ला गुजारिश आ कि पैरा मेरी गाल को समझो वरी एक्शन क्यों। मैं ये वीडियो ना पंजाबी हो के बना रहा हूँ और ना ही किसी बंदे की हक में बना रहा हूँ, ना ही किसी बंदे की सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं खुद पिछले 16 साल से सिंध में रह रहा हूँ और 16 साल से सिंध का नमक खा रहा हूँ। मेरी जितनी मोहब्बत सिंध के साथ है इतनी शायद किसी के साथ ना हो। मेरे प्यारे उस्ताद मोहतरम सर अमीन अली बुरड़ो साहब प्रोफेसर हैं LLB कॉलेज कामन सी कुरंगी में। उसके अलावा मेरे प्यारे उस्ताद सर राशिद अली बुरड़ो साहब, मेरे प्यारे दोस्त सर अनवर राहू साहब सिंध पुलिस, और आबिद अली साहब सिंध के बहुत बड़े वडेरे हैं, और बहुत सारे ऐसे सिंध के लोग जो कि मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे काबिल एहतराम भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं, सब हैं। अभी आते हैं असल मुद्दे की तरफ। आपने देखो होगा कि पिछले दिनों में इसमें माशाल्लाह सिंधी बहुत शुगल भी उसके साथ लगा रहे हैं, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक ओवर स्पीड के ऊपर इन लोगों को रोका और इसका चलान किया। उस बंदे का लहजा इस तरह का था कि जो है वो कुछ लोगों को नागवाद गुजरा। उसने कहा कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए था, तो आपसे पंजाबी और सिंधी तासब फैलाने की लोगों ने कोशिश की। जो लोग तासब फैला रहे हैं उनका तल्लक न सिंध के साथ है, न पंजाब के साथ है, न बलोचिस्तान के साथ है, उनका तल्लक किसी चीज़ के साथ नहीं है। वो लोग सिर्फ शर पसंद हैं, उनकी आप बातों से बचें। अच्छा, अभी आपको एक महीना भी नहीं गुजरा, अभी तकरीबन एक दो हफ्ते गुजरे हैं, एक कार का हादसा हो गया मोटरवे के ऊपर। 5 नौजवान लोग जा रहे थे लाहौर और रास्ते में ओवर स्पीड की वजह से उनकी कार गलती हुई और 5 के 5 लोग जल के मर गए, इतनी बुरी तरह उनकी मौत हो गई। 3 दिन पहले कलर का हार मोटरवे के ऊपर एक बस गलती हो गई, जिस बस के अंदर लोग मर गए बेचारे, और एक औरत वो उधर वीडियो में भी देखा जा सकता है रो रही है, उसके 3 बच्चे और शौहर, 4 फैमिली के 5 बंदे थे और 4 मर गए। अभी उस बेचारी की क्या ज़िंदगी, सिर्फ ओवर स्पीड होने की वजह से कि मोटरवे वालों ने उनके ऊपर रोका नहीं है, जो भी किया तो उसकी वजह से गाड़ियाँ गलती हो गई, वो गाड़ी जल के मर गई। अभी आते हैं जी मैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ कि ये इस बंदे की सख्ती या गाड़ी वालों को रोकना या उसका चालान करना कितना फ़ायदेमंद है। अभी देखें कि बंदा जो सिंध से लाहौर जा रहा हो तो उसकी सारी फैमिली को पता होता है, बहनों को पता होता है, भाइयों को पता होता है, बच्चों को पता होता है, अम्मी को पता होता है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर, मेरी औलाद जो है, मेरा अबू ये लाहौर गया हुआ है। वो लोग कितनी उम्मीदें लगा के बैठ लाहौर गया, उधर से आएगा, बातें सुनाएगा, उधर से ये चीज़ ले आएगा, वो चीज़ ले आएगा, ये करेंगे, वो करेंगे, और वो अबू भाई बेटा जो है वो उसकी जली हुई लाश उस हालत में कि उसकी पहचान भी ना हो सके, और वो लाश उधर उसके घर नवाब शाह या जाम छोरों या सांगड़े जिधर भी सिंध में वो रहता है उधर पहुंच जाए तो उसका क्या हाल होगा। उन बच्चों का, उन वालदेन का, उस अम्मी अबू का, उस माँ का क्या लगा जिसका बेटा इस हालत में, एक्सीडेंट ज़्यादा हालत में उसके पास पहुँच जाए। जिस तरह भी कलर का हार में वो 4-5 फैमिलियाँ छुट्टियों में, वो PF के मुलाजिम थे, वो जा रहे थे और उनकी लाशें उधर पहुँच गई। तो अभी रास्ते में जो कार वाले जो लाहौर से सरगोधा से लाहौर जा रहे थे, 5 बंदे जल गए जिनकी लाशों की पहचान भी नहीं हो सकी, फारूका के रहने वाले थे। अगर वो लोगों को इसी तरह ये मोटरवे वाला रोकता और कहता, उनको सुनाता बातें, और फिर वही बंदे इसी तरह एक वीडियो बना के चढ़ा देते और कहते कि हमारे साथ इसने ज़्यादती की है, तो वो अगर उसके साथ ज़्यादती हुई होती, उनके साथ सख्ती हुई होती, तो आज वो बाख़रियत अपने घरों पर पहुँच चुके। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन उसने इंसान को शऊर बख्शा है। उसने इंसान को अभी खुदकशी क्यों आराम है, मौत तो अल्लाह की तरफ से आती है, खुदकशी इसलिए आराम है कि अल्लाह ने ज़िंदगी की बहुत बड़ी नेमत तुम्हारे हवाले की हुई। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं बात को जो है सिंधी भाई जो वो जिनका चालान हो रहा है वो बड़े खुश मिजाज हैं, वो तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहा है आम लेने के, वो कह रहा है अभी आम तो अभी लेने जा रहा हूँ।
वो बड़े खुश मजाज लोग हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है वीडियो में आप देखें। तो जो लोग तासब फैला रहे हैं और जो सिंधी और पंजाबी और मोटरवे और इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग आपके दुश्मन हैं, आपके दोस्त नहीं हैं, उनकी बात पे गौर ना करें। मेरे सिंधी प्यारे भाई जो है ना, मेरे सिंध तो मेरी जान है, सिंध तो हम मतलब जो कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे जानते भी हैं कि सिंध में तो मैं मतलब समझो छोटा सा था तो सिंध गया और अभी जनाब अली इतने साल हो गए सिंध में रहते हुए। तो मैं मेरी मोहब्बतों पर अपलाम तमाम सिंधी भाइयों के लिए कि जो इस बात को अगर ले कि एक बंदा आपकी जान के लिए हिफाजत के लिए उधर खड़ा, हर बंदे का लहजा एक तरह। अभी सिंध में जैसे ही हम आते हैं जाते हैं या सिंध में रहते हैं तो वो एक छोटी सी यहाँ ही थुखे ये वो बात मैं नहीं करना चाहता वीडियो में, जो एक मुँह के ऊपर हर टाइम एक गाली रहती है वो मैं बात नहीं करना चाहता। लेकिन वो बात जो है, अगर वो कोई वीडियो बना दे बोले यार ये सिंध वाले गालियाँ देते, गालियों का इशू नहीं है, मकसद इशू है कि उस बंदे ने इनकी जान बचाई। तो तमाम भाई प्यार मोहब्बत के साथ रहें, मोटरवे पे जब भी गाड़ी चलाएं तो एक स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाएं, तो आपके बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो जहाँ भी आज मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ, जो प्यारे सिंधी भाई जिनको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, मैं वरी उनके हथ बंदीला माफ़ी चंद हुआ। तो सब ला गुजारिश आ कि अपनी अपने बच्चों जी अपने वालदैन जी खातिर अपनी जान जी हिफाजत करो। तुहांजी जान तुहांले कीमती ना आए, पर तुहां जे वालदैन तुहां जी धी ला तुहां जे पुटर ला तुहां जी अम्मी ला सब ला कीमती जाए चिमती शै आ। तू आसरा अपनी अद्धी जा आसरा, तू जे तू आसरा अपनी बूढ़ी माँ जा आसरा, तू तू आसरा अपने नडड़े बारह जा आसरा, तू तो अपनी जान की हिफाजत करें और जो है खुश रहें। और आप सब ने जो है सिंधी भाई ख़ासतौर पर मेरा चैनल एस बी सफ़द बलोच ब्लॉग जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करना है। अगले ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।